आगे बढ़ेंगे। अब जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वो सीहोर से है, जहां बोरवेल में फंसी सृष्टि को बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। 50 फीट से अब 100 फीट की गहराई पर बच्ची आकर के अटकी हुई है। सीसीटीवी में अब मासूम सृष्टि के मूवमेंट को भी नहीं देखा जा सकता है। पहले 50 फीट के अंदर थी वो और अब 100 फीट हो चुका है बोरवेल। तो आप देखिए सृष्टि की तस्वीर आप देख रहे हैं, मासूम बच्ची जो पहले 50 फीट गहरे बोरवेल में थी, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से वो नीचे खिसक गई है और 100 फीट गहरी बोरवेल में और पहुंच गई है। फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, आर्मी को उतार दिया गया है, मुख्यमंत्री खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। हर कोई ये प्रार्थना कर रहा है, दुआ मांग रहा है कि मासूम जल्दी से निकल आए। 23 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हम सब भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सृष्टि को सकुशल निकाला जाए। आपको हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीहोर में बोरवेल में फंसी बच्ची सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद जारी है और बड़ी चिंता का विषय ये है कि सृष्टि की पोजीशन चेंज हो गई है। अब सृष्टि अब 100 फीट नीचे गहराई में पहुंच चुकी है, पहले ये 50 फीट पर फंसी हुई थी और अब राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी है। सेना के जवानों ने सीहोर में मोर्चा संभाला है, एक तरफ पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, दूसरी तरफ अब सेना के जवान रॉड और हुक के जरिए, यानी कि रॉड से हुक डाला जाएगा, उसके माध्यम से बच्ची को कैच करने की कोशिश की जाएगी। एक ये तरीका भी अपनाया जाएगा जिसको सुबह NDERF की टीम ने अपनाया था लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। अब सेना के जो जवान हैं वो रणनीति तैयार कर रहे हैं कि रॉड डालकर बच्ची को कैच किया जाए और अगर कहीं से भी पकड़ में आती है तो उसे ऊपर उठाया जाए, क्योंकि 100 फीट की जो गहराई है वो बहुत अधिक है, ऐसे में पैरेलल गड्ढा खोलने में एक लंबा वक्त लग सकता है। 20 से 22 घंटे हो चुके हैं और अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि कैमरे में सृष्टि का मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब सेना की के जवानों ने मोर्चा संभाला है तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि 100 फीट तक गड्ढा भी खोदा जाना है, उसके लिए पैरेलल गड्ढा बनाया जा रहा है और दूसरी तकनीकी से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं सेना के जवान पूरी तैयारी कर रहे हैं, जो रॉड है उन रॉड को अब देखिए हुक नुमा एक आकार होगा और जिसे गड्ढे में डाला जाएगा, यानी कि बोरवेल में डाला जाएगा और कैच करने की कोशिश की जाएगी। यही फिलहाल रणनीति तैयार की गई है। अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, सीहोर। और हमारे सहयोगी सीहोर से इस वक्त आकाश खुद जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश देखिए, अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी लेकिन 50 फीट के बाद पहले खबर आई कि 100 फीट नीचे ये बच्ची गई, अब जानकारी आ रही है कि 200 फीट नीचे ये बच्ची, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ अभी पता नहीं लग पा रहा है बच्ची सुरक्षित भी है या नहीं। बिल्कुल, इस बात का अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा पा रहा है क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे बोरवेल में छोड़े गए हैं उसमें मूवमेंट सृष्टि का नहीं मिल रहा है। फिलहाल सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है और कन्वेंशनल मेथड से एक बार फिर से बच्ची को निकालने की कोशिश की जाएगी। दरअसल जो दूसरी तरफ पैरेलल खुदाई चल रही है, उस खुदाई के दौरान बीच में पत्थर चट्टाने आ रही हैं और उन्हें काटने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रिलिंग की वजह से जो वाइब्रेशन हो रही है उस वाइब्रेशन के चलते सृष्टि की पोजीशन लगातार नीचे जा रही है। पहले 30 फीट पर यह पोजीशन थी जब बच्ची गिरी थी, इसके बाद 50 फीट और फिर अब 100 फीट से ज़्यादा ये पोजीशन बताई जा रही, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और खुदाई और बोरवेल के बीच की जो दूरी है वो 7 से 8 फीट की दूरी है। ऐसे में हम जहां मौजूद हैं वहां पर जब ड्रिलिंग होती है तो हमारे पास तक वाइब्रेशन महसूस होता है, तो ऐसे में वहां पे तो और ज्यादा वाइब्रेट होता है और यही कारण है कि बच्ची ज्यादा नीचे चली गई है। अब अगर पैरेलल गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें एक लंबा वक्त जाना है, लेकिन पैरेलल गड्ढा खोदने की प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। दूसरी ओर सेना के जवान अब जो दूसरी मेथड है, यानी कि रॉड हुक और रॉड को डाला जाएगा अंदर, इसके बाद बच्ची को कैच करने की कोशिश की जाएगी। राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी, इसके बाद सेना की एक टुकड़ी सीहोर में पहुंच चुकी है और क्योंकि इसके पहले रेस्क्यू ऑपरेशन NDERF और SDRF की टीमें देख रही थी तो NDERF, SDRF, सेना के जवानों और पुलिस के जवानों के बीच बड़ी बात यह है आकाश कि अभी तक जो सीसीटीवी के जरिए उसके मूवमेंट का पता चल पा रहा था अब वो भी नहीं चल रहा है। तो अगर उसे कैच करने की कोशिश की जाती है रस्सी के जरिए, ग्रिप के जरिए, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन इस वक्त हर कोई यही दुआ कर रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द सृष्टि बाहर निकल आए। एक नन्ही सी जान है जो पिछले कई घंटों से फंसी हुई है, उसे सकुशल निकालना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। Z News.